नमस्कार, मैं हूं रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल पर। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना। जिस हिसाब से इन्फेक्शन बढ़ रहा है इतना, तो सब्जियों को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सब्जियों को आप किसी क्लोरीन वगैरह से या फिर अल्कोहल से सैनिटाइज बिल्कुल ना कर दीजिएगा। तो आज हम सब्जियों को सैनिटाइज करेंगे दो बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, सब्जियां मैंने ऐसे अभी नीचे रखी हुई हैं, प्लेटफॉर्म पे ये रखी हैं थैले से निकाल करके। और जो थैला आप मार्केट के लिए यूज करते हैं, उस थैले को या तो आप धूप में टांगे या फिर उसको भी अच्छे से धो डालिए पानी में साबुन का इस्तेमाल करके। और ये सब्जियां जो अभी ऐसे मैंने यहाँ रखी हुई है, आप देख ही रहे हैं, ये अभी जस्ट खरीद कर लाई गई हैं सब्जियां। तो आइए मैं इन्हें सबसे पहले आपको बताती हूँ सैनिटाइज करने का तरीका। देखिए, इस तरह की कोई बड़ी बास्केट हो तो उसमें पानी भर लीजिए, नॉर्मल पानी। या फिर अगर आपके पास इस तरह की बास्केट नहीं है तो कोई भी बाल्टी ले सकते हैं, बकेट ले सकते हैं, कोई बड़ा भगोना ले लीजिए जिसमें भी आपके पास थोड़ा बड़ा बर्तन हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, विनेगर डालेंगे थोड़ा सा। ये नॉर्मल विनेगर भी आप डाल सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर है, मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है और लोगों के घर में भी रहता है। तो अब हम इसमें 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर, सॉरी, ये जो नॉर्मल विनेगर है, कोई भी एप्पल साइडर या फिर वाइट विनेगर, इसके 2 ढक्कन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। और अब हम अपनी सब्जियां और फल इसमें डाल देंगे। और इन्हें अच्छी तरह से ऐसे हाथ से मसलिए या फिर 1 या 2 मिनट के लिए इन्हें ऐसे पानी में पड़ा रहने दीजिए। जो अच्छी तरह से साफ हो जाएं उन्हें निकाल कर रख लीजिए किसी बास्केट में। मैं अभी बास्केट में नहीं रख रही हूँ सब्जियों को, क्योंकि आपके साथ मैं दूसरा वाला तरीका भी शेयर करने वाली हूँ जो ज़्यादा इजी है। या फिर देखिए, आप गरम पानी का अगर इस्तेमाल करें, यानी कि पानी थोड़ा गैस में 1-1.5 लीटर पानी गुनगुना कर लीजिए, या फिर आजकल गर्मियों में टंकी का पानी भी बहुत गर्म हो जा रहा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। जितने दिन ये सब चल रहा है, यानी कि कोरोना वगैरह का जो है ये महामारी का प्रकोप चल रहा है, तब तक आप सावधानी बरतिए। ज़रूरत पड़े आप गैस में, इंडक्शन में या फिर इमर्शन रॉड से थोड़ा पानी गर्म कीजिए, सारी सब्जियों को एक साथ धुल कर रखिए। अब इस पानी को तो हम फेंक देंगे। देखिए, दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि ये हमारा टैप रहा रनिंग वाटर में, यानी कि जो भी गंदगी, जो भी वायरस या जो भी कीटाणु बैक्टीरिया होगा वो बह के निकल जाएगा, किसी दूसरी सब्जी को टच नहीं करेगा। इसके लिए आपको टैप को खोलना है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा जरूर लगेगा, लेकिन टैप को आप मीडियम ही खोलिए। ऐसे पानी इस टाइम अभी गर्म भी है, ना भी गर्म हो तो रनिंग वाटर होना चाहिए। और बस आप एक एक करके ऐसे पकड़िए, सब्जियों को धुलिए। और इसी तरह से हमें सारी सब्जियां धुल लेनी है। इस तरह से एक जालीदार टोकरी में मैंने निकाल लिया है। अब हम इन्हें छोड़ देंगे 2-2.5 घंटे के लिए, या तब तक जब तक अच्छी तरह से सब्जियों का पानी अच्छे से नहीं चला जाता, ड्रेन नहीं हो जाता। इसके बाद आप फ्रिज में जैसे स्टोर करते हैं वैसे स्टोर करिए। सब्जियों को धोने के बाद में जो सबसे ज़रूरी काम है वो अपने हाथ सैनिटाइज करना है। या तो आप हैंड वॉश से अपने हाथ धोइए जाके, या फिर सैनिटाइज कर लीजिए अपने हाथों को। या सबसे आसान तरीका, अगर आपको गर्म पानी करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप गर्म पानी में सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए डालकर छोड़ दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका। इसके बाद सब्जियों को निकाल लीजिए और ड्रेन कर लीजिए अच्छी तरह से। सब्जियों में किसी प्रकार का साबुन या फिर निरमा
या यही आपका वॉशिंग पाउडर जो होता है, या किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। कुछ लोग इस समय ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ। और मैं इसी तरह से अपनी यहाँ सब्जियों को डेली मैं इस तरह से वॉश करती हूँ। तो आप भी ध्यान रखिए, थोड़ा सावधानी रखिए, थोड़ा सफाई का ध्यान दीजिए और घर पर रहिए। और मैं अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ जो आपको हेल्पफुल हो, आपके काम आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए सभी के साथ में इसको, ताकि ये जो जानकारी है ये सब तक पहुँचे। और खासकर ये ग्रामीण एरिया में, यानी कि रूरल एरियाज में लोग इतने अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता है सब्जी कैसे धोनी है। तो कुछ लोग वॉशिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी हेल्थ के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहेंगी। लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये टोटली फ्री है। और ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू वेरी मच।